अगर भारत कांग्रेस मुक्त नहीं होता है तो यह देश रोज नई समस्याओं को झेलता रहेगा। मैं नौजवानों को पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे नौजवान, आपके माता पिता को, आपके आई बहन को जैसी जिंदगी जीनी पड़ी, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? क्या आपके बच्चे भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? और अगर नहीं चाहते हो तो जिन्होंने ये मुसीबतें पैदा की हैं उनको विदाई करने का समय आ गया। भाइयों बहनों, यहां पर कॉटन की खेती होती है। भाइयों बहनों, यहां पर कॉटन की खेती होती है और किसान आत्महत्या कर रहा है। कॉटन की खेती गुजरात में भी होती है लेकिन वहां किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती है। सूखा हमारे यहां भी पड़ता है लेकिन मरने की नौबत नहीं आती है। भाइयों बहनों, देश के कृषि मंत्री यहां से अपने आप को किसानों का नेता कहने वाले दो डजन लोग यहां पर मौजूद है। देश में महाराष्ट्र भरा पड़ा है, उसी महाराष्ट्र में आए दिन किसान को आत्महत्या करने की मुसीबत आती है। मैं अभी आया था यवतमाल वर्धा, ओले गिरने से कितनी बड़ी मुसीबत आई। ओले गिरने के बाद भी किसानों को मरना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार इसकी नीतियां इसके लिए जिम्मेवार है। आप देखिए, यहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लेकिन किसानों के काम आती है क्या? आती है क्या? यही तो इनकी मुसीबत है, इनको समझ नहीं आता है कि जो लैब में है वो लैंड पर उतारना चाहिए, उनको इतना समझ नहीं आता। भाइयों बहनों, आपके इस इलाके में प्रति हेक्टेयर 325 किलो 324 किलो कॉटन का उत्पादन होता है। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र में 324 किलो प्रति हेक्टेयर, विदर्भ में 280 किलो और गुजरात में 630 किलो ये फर्क है। ये सरकार का जिम्मा था कि यहां के किसानों को सुविधा मुहैया करे, आधुनिक टेक्नोलॉजी मुहैया करे, उनको नई तकनीक सिखाएं, लेकिन ये मूलभूत काम न करने के कारण किसान की आय में, किसान के उत्पादन में, किसान के उत्पादन की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आ रहा है और तब जाकर के उसको मरने की नौबत आती है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, ये कृषि मंत्री शरद पवार हैं, उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध क्यों लगाया था मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के कारण दो साल पहले मेरे अकेले गुजरात के किसानों को 7000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, 7000 करोड़ रुपए का एक ही सीजन में। आपके महाराष्ट्र के, आंध्र के किसानों को कितना घाटा हुआ होगा इसका आप अंदाज कर सकते हैं।